आपने इस तरह की इमेजेस इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी देखी होंगी जो दिखने में काफ़ी क्रिएटिव और काफ़ी मीनिंगफुल लगती हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप बहुत सिंपल से स्टेप में इस तरह की इमेज फोटोशॉप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। फोटोशॉप में आने के बाद सिंपली आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल एन, और इसकी विड्थ रखनी है आपको 1200, हाइट रखनी है 1200 और रेजोल्यूशन कर दिए 300। हिट ओके। इतना करने के बाद हमें सिंपली इसमें एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमें जाना है शेप में और चूज़ करना है रेक्टेंगल टूल, ये रेक्टेंगल टूल, और शिफ्ट दबा के सिंपली आपको इसमें एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। उसके बाद आपको जाना है स्टॉक में, चूज़ करना है ब्लैक कलर और इसके साइज़ को करना है हल्का सा इंक्रीज। ये एक बॉर्डर जैसा लगना चाहिए। हिट एंटर और कंट्रोल टी दबा के इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और इस लेयर का नाम लिख देता हूँ बॉर्डर। इसके बाद आपको सिंपली बॉर्डर वाली लेयर पर राइट क्लिक करना है, जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है आउटर ग्लो पे। इसका ब्लेंड मोड रखना है नॉर्मल, पैसिटी 100%, स्प्रेड भी 100% और कलर चूज़ कर दें इसमें ये, और साइज़ कर देना है इसका डिक्रीज। ओके। इतना करने के बाद सिंपली हमें इसमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा, तो इससे हमें सेंटर पार्ट पता लग जाए। देन आपको फिर से रेक्टेंगल टूल पे जाना है और शिफ्ट दबा के फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है शेप, और इस बार आपको जाना है फिल में और चूज़ करना है ग्रे कलर। ये फिल ग्रे कलर, ये ठीक है, और कंट्रोल टी से इसको करना है रोटेट। शिफ्ट और आल्ट दबा के आपको सिंपली इसका साइज को डिक्रीज करना है इतना, और आप देख सकते हैं कि अब ये डिजाइन जैसा एक क्रिएट हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपको इसमें अपना थॉट लेके आना है। आप सिंपली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है ये वाला, ये थॉट। इसके बाद आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, पूरा कॉपी नहीं करना, सिर्फ इसको यहाँ तो कॉपी कीजिए, एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए यहाँ से, और प्रेस करना है टी, टी फॉर टेक्स्ट, और कंट्रोल वी कर देना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसका हम फॉन्ट देंगे हम इसमें नायग्रा सॉलिड रेगुलर। साइज़ को इसके इंक्रीज करना है और सिंपली इसको छोटा थोड़ा इसको करना थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पे, और इसके डुप्लीकेट बनाने के लिए सिंपली आप करना है कंट्रोल जे, शिफ्ट दबा के नीचे ड्रैग करना है। इसके बाद बाकी का थॉट करना है कॉपी आपको कंट्रोल सी, और टी दबाना है, क्लिक करना है कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा ये। अगेन आपको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करना है और ये कॉपी करना है यू तक, ऑफ तक, कंट्रोल सी, अगेन टी प्रेस करना है, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। ये इतना हो जाएगा, फिर से कंट्रोल जे डुप्लीकेट, एंड देन आपको फिर से ये करना है यूर सेल्फ कॉपी, कंट्रोल सी, प्रेस टी, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। और हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा कैपिटल लेटर में हो जाए, उसको करना है सिंपली सेलेक्ट। आपको जाना है कैरेक्टर में, कैरेक्टर होता है ये, अगर ये यहाँ नहीं मिलता तो आपको जाना है सिंपली विंडो में, और ये है कैरेक्टर, ये क्लिक करना है, इसको कर देते हैं कैपिटल,
इसके बीच का हमें स्पेस को बढ़ाना है बस, ये डिज़ाइन जैसा लगे। सेंटर में कर देते हैं इसको इस तरह से, और उसके बाद हमें लास्ट में इसकी ऑथर के नेम को कॉपी करना है, प्रेस टी करना है, कंट्रोल वी से आ जाएगा, सिलेक्ट करना है इसका बीच का क्या कर देना है 0, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो। और आप चाहो तो इसमें अपना लोगो भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको लगाना है तो देखते हैं किस तरह से लगा सकते हैं। सिंपली आपको इसमें अपना लोगो ड्रैग करना है, तो ये मैंने एक सिंपल सा लोगो बना रखा है, आपको सिंपली इसे कॉपी करना है, ड्रैग कर देना है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इसके साइज को करना है डिक्रीज, अभी एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है।